क्वेश्चन नंबर वन, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन y इज इक्वल टू 3 एज इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना, इन टू वेरिएबल। देखो क्या बोल रहा है ये कि हमें y इज इक्वल टू 3 जो दे रखा है इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ना, किसके अंदर, वन वेरिएबल के अंदर। वन वेरिएबल का मतलब हो गया नंबर लाइन, क्या करना है इसको आपको, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। टू वेरिएबल, टू वेरिएबल का मतलब हो गया कार्टेशियन प्लेन, किसके अंदर रिप्रेजेंट करना है इसको, कार्टेशियन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। बात क्लियर हो गई। अब देखो यार, सबसे पहले अगर हम बात करें वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 3, इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और किसके अंदर, कार्टेशियन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। देखो नंबर लाइन, तो हमने कौन सी एक्सिस बना रहे हैं हम लोग, वाई एक्सिस बना रहे हैं। ये क्या हो गया आपके पास, वाई एक्सिस हो गई। यहाँ क्या था आपके पास, जीरो, इधर वाई का पॉजिटिव, इधर वाई का नेगेटिव, करो वन टू और ये 3, इधर y का नेगेटिव आ जाएगा -1, -2 और -3। क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 3, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है ना, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है ना। अब सेकंड पार्ट करते हैं, देखो इधर क्या दे रखा है आपके पास, y इज इक्वल टू 3 है ना, इसको मुझे क्या करना है, टू वेरिएबल, टू वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन पर इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। देखो अगर हम इसमें देखें तो कितने वेरिएबल यूज में आ रहे हैं, वन वेरिएबल, तो मैं इसको टू वेरिएबल में लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, देखो 0x+y इज इक्वल टू 3। बात क्लियर है। अब देखो अगर जो नंबर आपका जीरो है, ठीक है ना, आप वो उसकी वैल्यू रखते जाओ, यहां पर x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है ना। देखो यार मैंने क्या कर दिया, या ऐसा बॉक्स बना दो आप लोग डायरेक्ट ही, देखो यार ये क्या है आपका x और ये क्या है आपका y, y की वैल्यू कितनी है के पास, 3, तो यहां पर y की वैल्यू हर बार कितनी आएगी, 3 आएगी, यार रख दो 0, 1 और 2। अगर मैं यहां पर x की जगह 0 रखूंगा तब भी y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तब भी y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, जब मैं x की जगह 2 रखूंगा, है ना, अगर मैं क्या रख रहा हूँ, x की जगह 2 रख रहा हूँ, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है के पास, 3 आ रही है, ठीक है ना। और इसको क्या करना है मेरे को, किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, कार्टेशियन प्लेन, किसके अंदर रिप्रेजेंट करना है इसको, कार्टेशियन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। देखो इधर ये आपका x, इधर क्या होगा आपका x डैश, ठीक है ना, इधर आपका y और इधर क्या होगा आपका y डैश, ठीक है, बात क्लियर हो गई। देखो इधर ये कितना है के पास, 0, 1, 2, 3 और ये 4, इधर आ जाओ, है ना, इधर क्या होगा x का नेगेटिव -1, -2, -3 और -4, है ना, इधर x का पॉजिटिव, सॉरी y का पॉजिटिव 1, 2, 3 और ये 4, इधर x का, सॉरी y का नेगेटिव -1, -2, -3 और -4। बात क्लियर है। अब देखो क्या है आपके पास पॉइंट, x के 0 पे जाओ और y का 3, x का 0 और y का 0 यहीं पे आपका, x के 0 पे जाना है और y का 3, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया आपका। x के 1 पे जाओ y के 3 पर, x का 1 और y का 3, अब क्या बोल रहा है, x के 2 पे जाना है और y के 3 पे जाना है, x का 2 और y का 3, तो देखो कैसे लाइन आ गया के पास, ये क्या हो गया के पास, y इज इक्वल टू 3, किसकी लाइन आ गई, y इज इक्वल टू 3। देखो अगर हम इसको देखें तो ये किसके पैरेलल है, पैरेलल टू x एक्सिस है, ये किसके पैरेलल आई है, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है ये, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x+9 इज इक्वल टू 0 इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है आपको, किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। और टू वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन, कौन सा प्लेन हो गया आपके पास, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। देखो इधर क्या है आपके पास, पहला फर्स्ट पार्ट करते हैं, इक्वेशन क्या तरीके के पास, 2x+9 इज इक्वल टू 0, तो देखो यहां पर अगर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस 9 को उठा के ले जाते हैं, क्या आ जाएगा पास, 2x -9, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -9/2, ठीक है, तो ये कितना हो गया बोलो, -4.5 लिख सकते हो आप चाहो तो, इसको क्या लिख सकते हो, -4.5 या -9/2 भी रहने देना, लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब मुझे किस पे रिप्रेजेंट करना है इसको,
सबसे पहले नंबर लाइन के ऊपर, वन वेरिएबल का मतलब क्या हो गया नंबर लाइन, और टू वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, देखो इधर मैं नंबर लाइन बना लेता हूं, ये आपका इधर x है ना, ये आपका जीरो, इधर x, इधर क्या होगा आपके पास x डैश होगा, मतलब इधर x का पॉजिटिव इधर x का नेगेटिव, ले लो गैप, इधर आएगा 1, 2, 3, 4 और 5, इधर x का नेगेटिव -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, मुझे कितना चाहिए x इज इक्वल टू माइनस का 4.5, तो माइनस का 4.5 का होगा 4, -4 और -5 के बीच में होगा, तो ये जो वैल्यू है आपके पास, ठीक है ना, ये क्या होगा x इज इक्वल टू माइनस का 4.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 4.5। ठीक है ना, बात क्लियर है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, देखो सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, ठीक है ना, क्या है आपके पास इक्वेशन 2x + 9 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो यार मैंने यहां पर वही x की वैल्यू निकाल ली, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 9, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 9/2। ठीक है ना, आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, चाहो तो पॉइंट में लिख लो। अब देखो किसमें करना है आपको, सबसे पहले टू वेरिएबल, अगर हम इसमें देखें तो दो वेरिएबल तो इसमें है ही नहीं, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + 0y इज इक्वल टू माइनस का 9/2। ठीक है ना, अब देखो मैं y की वैल्यू यहां पर कुछ भी रखता जाऊंगा, कुछ भी रखो x की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी माइनस का 9/2 ही आएगी। ठीक है, तो इसका बॉक्स बना देते हैं हम लोग, ये आपका x और ये y, x की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी माइनस का 9/2, कितनी आएगी पास माइनस का 9/2। ठीक है ना, y की वैल्यू आप कुछ भी रखते जाओ x की वैल्यू हमेशा माइनस का 9/2 आएगी, तो क्या क्या रख देते हैं 0, 1 और 2। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, किसके ऊपर दिखाना है कार्टेशियन प्लेन के अंदर दिखाना है। ठीक है ना, देखो इधर ये आपका x, इधर क्या होगा आपका x डैश, इधर क्या होगा आपका y, और इधर क्या होगा y डैश। ठीक है, इधर आपका 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5, इधर x का नेगेटिव -1, -2, -3, -4 और -5, इधर y का पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, इधर y का नेगेटिव -1, -2, -3, -4। ठीक है, बात क्लियर है। देखो अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है ना, तो यहां पर क्या कंसेप्ट आ रहा था आपके पास, देखो इधर क्या कंसेप्ट आ रहा था कि y के 0 पर जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 9/2, y के 1 पे जाएंगे तब भी x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 9/2, है ना, या फिर x के -9/2 पे जाओ y के 2 पे चल जाओ। ठीक है, बात क्लियर है, x के -9/2 पे जाना है और y का 0 पे जाना है, फिर x के -9/2 पे जाना है y के 1 पर, x के -9/2 पे जाना है और y के 2 पर जाना है, बात क्लियर है। देखो यार x के कितना जाना था आपको -9/2, 9/2 का मतलब कितना हो गया 4.5, है ना, और y का 0 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया आपका। फिर अगला पॉइंट क्या था आपका, x के -9/2 पे जाओ और y के 1 पे चल जाओ, ये वाला पॉइंट हो गया आपका। अगला पॉइंट क्या था, x के -9/2 पे जाओ और y के 2 पे चल जाओ, बात क्लियर है। ठीक है ना, अब कैसी लाइन आ जाएगी पास, इस तरह से लाइन आ जाएगी पास। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है ना, अब देखो यार ये क्या आ गया पास, क्या आ गया पास, y इज इक्वल टू माइनस का 9/2 आ गई। ठीक है ना, बात क्लियर है, मतलब x इज इक्वल टू माइनस का 9/2 आ गया आपके पास, कितना आ गया x इज इक्वल टू माइनस का 9/2, ये क्या आ गई किसके पैरेलल आ गई, पैरेलल टू y एक्सिस आ गई है, किसके पैरेलल आ गई है y के पैरेलल आ गई।